मेरा नाम आजम तनवीर है, यहाँ का मैं रहायशी रहने वाला हूँ। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी का नाला साल भर तो नहीं रहता है, 8 महीने 10 महीने जो है ना चलता ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कमालपुर और छोई के दरमियान जो है ना ये नाला जा रहा है। गैस जो है ना अभी पाइप डाल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गैस जो है ना तो रोड का भी काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है। डबल रोड बनने वाली है, अच्छी रोड बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी हो सका मुकम्मल हुआ तो इंशाल्लाह सैह के लिए बहुत अच्छी और घूमने फिरने की अच्छी जगह है। ये साथ खानपुर डैम लगता है, खानपुर डैम का आखिरी हिस्सा है, ये बहुत अच्छी जगह है सैहों के लिए। कई कारोबार खुल सकते हैं सैहों के आने जाने की जगह पे, होटल वगैरह पार्किंग वगैरह कुछ आदमी काम वगैरह कर सकता है। एक अच्छी जो है ना रोज़गार के इलाके के लिहाज से भी बहुत अच्छी जो है ना रोड हमें पंजाब मिलेगी इंशाल्लाह। ये खानपुर डैम है और ये छोटा सा गांव जो जगह हम यहाँ खड़े हैं ये सरादना के नाम से है। एक पुरफजा मकाम है, जो वीकेंड्स हमारे होते हैं इतने काम के बाद थके हुए लोग यहाँ आते हैं तो थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट होती है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत साफ जगह है और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ फैमिलीज़ के लिए बड़ी प्राइवेसी है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, जो टूरिस्ट के लिए जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वो होनी चाहिए। यहाँ इंट्रोड्यूस कम होने की वजह से ये एरिया बड़ा साफ़ है और जो नए भी लोग आएंगे जिनको पता चलेगा, जो लोग इस इलाके का विज़िट करेंगे, इन सब से भी गुजारिश है कि यहाँ की सफाई का बड़ा ख्याल रखें ताकि आइंदा के लिए भी ये जगह जो है ना बहुत खूबसूरत रहे, साफ़ रहे और आने वाले जो विज़िटर्स हैं वो एंजॉय कर सकें। इसके लिए जो ना हमारे ये जो इलाके के लोग हैं ये भी और जो आने वाले हैं वो भी मिल के इस इलाके को अगर साफ रखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। कि मरी की हालत क्या है, क्योंकि इजी एक्सेस पे है, हर बंदे को पता है मरी इजीली जा सकते हैं, तो जो सफाई का माहौल वहाँ पे आप देख सकते हैं। डेफिनेटली ये रास्ता बनेगा तो लोग ज़्यादा आएंगे, जब लोग ज़्यादा आएंगे तो हमारे स्पेशली हमारे पाकिस्तानियों की एक आदत है, जो कुछ खा पी लेते हैं कचरे वहीं फेंक के चले जाते हैं। तो काइंडली इसके लिए जो है ना अगर हम सब मिल के अगर काम करें, गवर्नमेंट भी, इलाके के लोग भी और विज़िटर्स भी, तो शायद वो गंदगी वो फिर बदमजगी ना होगी इस इलाके में, इसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। इसके लिए हम सबको जो ना अपना हिस्सा अदा करना पड़ेगा। ये गांव है जी सरादना, इसका नाम सरादना है, ये बिल्कुल खानपुर डैम के किनारे पे है ना। इसकी आबादी तकरीबन 2500 के करीब है। खानपुर का माल्टा जो है ना वो यहाँ का बहुत मशहूर है। ये पानी बंद हुआ था 1982 में, इसका पानी रोका गया ना खानपुर डैम का, नदी और रोके ऊपर। यहाँ पे जो भी आते हैं ज़्यादा फॉरनर आते हैं ना, क्योंकि ये सोसाइटी बनी हुई है नीचे, थोड़े से आप आगे चले जाएँ 1500-2000 मीटर की दूरी पर यहाँ पर सोसाइटी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा फॉरनर हैं यहाँ पे। ये है जी पैराग्लाइडिंग होती है, पैरासेल होती है, स्कूबा डाइव होती है, जेट स्काई होती है और बोटिंग होती है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है मक्की और गंदम जो है ना उसकी फसल ज़्यादा उगाई जाती है। सब्जियाँ बस लोगों ने शौक़ के तौर पे घरों में जो है ना लगाई हुई, भिंडी करेली इस तरह की सब्ज़ी जो है, टमाटर मिर्च। Thank you.
सरहदना गांव है खानपुर डैम, उसके बिल्कुल कैचमेंट का एरिया है, वहां पर वाक़ है। दिलचस्प मनाजिर, खूबसूरत हसीन छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और साथ ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी।